मैं अरविंद कुमार मौर्या स्वागत करता हूँ अपने भोजपुरी ए टू जेड पर। और जानते हैं, हम हैं मुंबई और कहाँ, माया नगरी शहर में। और हमारे साथ में जानते हैं दबंग स्टार, जिसको अभी आपने हमारे भोजपुरी ए टू जेड पर सबसे ज्यादा व्यूअर हैं, तो आज वो मेरे साथ हैं। सबसे पहले भैया स्वागत करते हैं अपने चैनल भोजपुरी ए टू जेड पर। बहुत बहुत धन्यवाद मौर्या जी, और आपके चैनल भोजपुरी ए टू जेड के माध्यम से मैं सभी जनता जनार्दन का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार करता हूँ। हर हर महादेव। और आज पहला इंटरव्यू, क्या मतलब ये मेरा तीसरा इंटरव्यू मुंबई में है, लेकिन मौर्या जी आपके साथ तो ये पहला इंटरव्यू मुंबई माया नगरी में मैं कर रहा हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बात करें जिस तरह आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना पहचान बनाए हैं और आज मुंबई में क्या कुछ खास है, कुछ बताना चाहेंगे उसको? मुंबई में आया हूँ, इतना स्वागत मेरा चल रहा है कि मैं तो मेरे आगे पीछे भी मैं देखा तीन तीन गाड़ियां लोग आगे पीछे लेकर चल रहे हैं। मुझे एहसास नहीं हो रहा कि मैं लखनऊ में हूँ कि बस्ती में हूँ कि मुंबई में हूँ। वही प्यार, वही स्वागत। और ये जान लिए कि मैं अभी तक होटलों में खाना मुश्किल से 5-6 टाइम खाया होगा, जबकि मैं यहाँ 13-14 दिन से हूँ। तो कहीं ना कहीं लोग खाना अपने घर से ला के खिला रहे हैं, लोग घर ले जाके खिला रहे हैं। इतना प्यार, इतना वो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये लग रहा है कि मुंबई हमको फिर से भाग गई। नहीं, कहीं ना कहीं कहते हैं भैया कि भोजपुरी इंडस्ट्री जिस तरह है और उसके बाद आपका अलग पहचान बनाना, उसके बाद लोग जैसे कहते हैं कि मुंबई जाइए, स्ट्रगल करिए, फिर उसके बाद काम पाइए। जिस तरह आप कह रहे थे कि लोग खाने के लिए तरस जाते हैं, मुंबई मैंने ये किया, स्ट्रगल किया, ऐसा आपको इस बार आने में कैसा लग रहा है कि मतलब आपकी फैन फॉलोइंग कैसे चल रहा है मामला, उसमें बताए? नहीं, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और मैं आपसे कई बार ये चीज जनता जनार्दन के सामने रखा हूँ कि 14 साल पहले मैं मुंबई आया था, और 14 साल पहले पहली फिल्म मेरी टूटे न सनैया हमार आई थी, और वो मेरा स्ट्रगल पीरियड ही था। और मैं उस फिल्म के बाद 14 साल दूर रहा, तो अब की कुछ ना कुछ सोचा कि 14 साल बाद लौटा हूं तो कुछ नया आयाम, नया मुकाम मुझे भोजपुरी जगत में हासिल करना है। लेकिन जनता जनार्दन के आशीर्वाद और प्यार के साथ ही ये संभव है। तो सभी जनता जनार्दन का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ रहेगा तो निश्चित है कि स्ट्रगल बहुत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज क्या है, स्ट्रगल करने वाले बेचारे स्ट्रगल ही कह के रह जा रहे हैं। और जिसको कुछ मिलना होगा, जनता जनार्दन रातों रात उसको हीरो बना देती है, रातों रात नेता बना देती है, रातों रात स्टार बना देती है। तो कुछ हमारे साथ भी जनता जनार्दन ऐसा कर सकती है। हमारी बात करें फिल्मों के लेकर, फिल्में आपकी फिल्में पूरा शूटिंग हो गई, 5-6 फिल्में कब आने वाली है, क्या कुछ राज है, क्योंकि लेट बहुत हो रहा है, क्या किस कारण से रुकी हुई है, बताना चाहेंगे दर्शकों? देखिए, निश्चित लेट तो बहुत ही हो रहा है। और अभी मैं क्योंकि लगातार इस साल में 6 फिल्म कर लिया, और 6 फिल्म में 2 फिल्में हमारी होम प्रोडक्शन थी, जो कि पहली फिल्म मेरी होम प्रोडक्शन ही है, मोहे रंग दे प्यार के रंग सजना। तो मैं अभी कल उस फिल्म को पूरा देखा, अभी भी उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन का काम था, तो मैंने अभी जो एडिटर है दीपक जोन से बात किया, आजकल में ही वो करके फाइनल कर देंगे। और मेरा प्रयास है कि होली तक इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सही लेट हो गया। जनता इंतजार कर रही है, मेरी पब्लिक इंतजार कर रही है, मेरी जनता जनार्दन इंतजार कर रही है, तो बहुत देर हो रहा है। और मैं चाहता हूं, क्योंकि बीच बीच में क्या करें, लॉकडाउन भी होता गया, समस्याएं आती रही, शूटिंग हमारी लगातार चलती रही, यही कारण है कि फिल्म अभी तक देर हो गया। लेकिन हम निश्चित जान लीजिए कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आप लोगों का जो इंतजार है वो जल्दी खत्म होगा। बात करें, आपका एक उपाधि मिल गया है दबंग स्टार, उसके बाद चिरंजीव का कुछ लोग कहते हैं, तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या धमाल और होने वाले हैं, और कौन कौन फिल्में अभी शूट होने वाली, कुछ दर्शकों से खुलासा कर सकते? जी, दबंग स्टार तो पहला टाइटल आप ही ने दिया मुझे, और आज पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री दबंग स्टार के ही नाम से मुझे जानने लगी है। और साउथ के सारे हीरो का लुक मेरे में देख रही है, क्योंकि मैं अभी सीतापुर गया था, इसके नचाए बीच बजा, तो वहां की पब्लिक पूरा चिल्ला के कहने लगी कोई साउथ से हीरो आया, जब मेरा लुक गया तो किसी ने चिरंजीवी, किसी ने रजनीकांत, किसी ने नागार्जुन, तो सारा लुक मेरे में दिखाई पड़ा लोगों को। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य मेरा है, लोगों का प्यार आशीर्वाद इतना मिल रहा है, तो निश्चित ही। और ये जाने कि इस साल हमने 6 फिल्में किया, जिसमें पहली मोहे रंग दे प्यार के रंग सजना, दूसरी जनता दरबार, तीसरी बलमुआ नदिया पार के, चौथी हमने इश्क नचाए बीच बाजार, और जीअब तोहरे खातिर
जो कि फर्स्ट शेड्यूल हो चुकी थी और सेकंड शेड्यूल बस हमको लग रहा है इसी 14 फरवरी से फिर लगने जा रही है। और छठवीं हमने सपनों का सफर, ये फिल्में हमने पूरा किया और मैं बॉम्बे आया हूँ। तो ये जान लीजिए कि चार फिल्मों का लाइनअप हो चुका है और चारों फिल्मों का नाम, जिसमें पहला जान लीजिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हाई कोर्ट, ये मेरी पहली फिल्म जो नया फिर करने जा रहे हैं, जिसके गाने का काम शुरू हो गया, म्यूजिक डायरेक्टर सावन कुमार जी हैं। दूसरी है रघुवंश, हाई कोर्ट के जो प्रोड्यूसर हैं चंद्रमोहन चौधरी जी हैं और रघुवंश के जो प्रोड्यूसर हैं टीवी दुबे, जो कि एक टेक्नीशियन भी हैं भोजपुरी जगत में और वो रघुवंश के प्रोड्यूसर हैं। और तीसरी फिल्म हमारी जो है आपका समर संग्राम, जो कि वो भी रजिस्टर्ड हो गया है, इसकी भी पूरी तैयारी हो गई है, इसके प्रोड्यूसर हैं रामजी जायसवार और बहुत ही अच्छे हमारे मित्र भी हैं और हमको साइन भी कर चुके हैं। और चौथी फिल्म हमारी एसीपी संग्राम, जो कि बहुत ही धमाकेदार इस साल की फिल्म होगी और काफी बजट वाली फिल्म होगी, उसके प्रोड्यूसर हैं हमारे अमरनाथ वर्मा जी, जो कि मूल रूप से हमारे होम डिस्ट्रिक्ट के ही रहने वाले हैं, लखनऊ में भी मेरे साथ ही रहते हैं और दिल्ली में भी उनका कारोबार है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। तो चार फिल्मों की घोषणा जान लीजिए, मैं आया मुंबई तो चारों फिल्में पूरी तैयारी, जिसपे प्री प्रोडक्शन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। नहीं, जिस तरह भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि सिंगर ही हीरो है, और क्योंकि आपकी फिल्में लगातार 6-7 फिल्में जिस तरह आ रहे हैं, तो क्या परिवर्तन देखा जाएगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अब एक्टरों का डिमांड होगा और सिंगरों का नहीं? जी देखिए, निश्चित है कि अभी देखिए हमने सपनों का सफर किया, उसमें तीन हीरो हैं, तीनों नॉन सिंगर हैं और मैं तो 6 फिल्में कर चुका बिना सिंगर होते हुए और 4 फिल्म हमने साइन किया है। तो निश्चित है कि अब वो भ्रम टूटने वाला है कि सिंगर ही सिर्फ हीरो होगा। आने वाले दिनों में जनता का प्यार जिसको ज्यादा मिलेगा, ठीक है आज मिल रहा है सिंगरों को प्यार, ऐसा नहीं है कि संग्राम सिंह को प्यार नहीं मिलेगा, आज भोजपुरी में यश मिश्रा जी भी हैं और तमाम ऐसे हीरो हैं कि जो आज चिंटू भी हैं, तो वो भी नॉन सिंगर ही हैं और अच्छा काम पा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जनता का साथ उनके साथ, तो निश्चित है संग्राम सिंह के साथ भी जनता का प्यार नहीं मिलेगा। चलिए आइए, तो बातें फिल्मों की भी आपकी हो गई और अब आते हैं कि बॉम्बे कहाँ कहाँ घूमे, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए अभी तो मैं हकीकत बताऊं कि बॉम्बे मुझे घूमने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं लगातार डबिंग कर रहा था और अभी देखिए आज आप इंटरव्यू कर रहे हैं, अभी इसके 10 मिनट बाद ही मैं डबिंग करने जा रहा हूँ सपनों की सफर का। और ये है कि एक दो दिन बाद जरूर घूमने का प्लान बनाया हूँ क्योंकि मुंबई आया हूँ काफी दिन बाद, तो घूमना तो है। रिलीजिंग कब हो रही है? रिलीजिंग हमने बता दिया ना कि पहली फिल्म प्रयास है कि होली पर हमारा मुहे रंग दे प्यार के रंग सजना आ जाए। डेटिंग डेट भी क्योंकि इंतजार पब्लिक बहुत कर रही है, आपने 2-4 बार कहा नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, आज अभी हमने एडिटर से बात किया है, वो फाइनल हो जाएगा, उसके बाद सेंसर जाएगी, तभी भी एनी टाइम रिलीज हो जाएगा। होली तक मेरा पूरा प्रयास है पहली फिल्म मेरी आ जाए, क्योंकि वो पहली फिल्म के नाते ही सारी फिल्में और रुकी पड़ी हुई हैं, तो मेरा भी प्रयास है कि जल्दी से जल्द फिल्म आए। अच्छा, 5 फिल्में आपने पांचों डबिंग कर रहे हैं, कैसा लग रहा है कि मतलब उस सीन का और इस फिल्मों को लेकर कैसे क्या कि सब फिल्मों में कैसा डिफरेंस कुछ आ रहा है? नहीं, काफी डिफरेंस है और काफी अनुभव भी बढ़ता जा रहा है भाई। मैं 14 साल बाद लौटा, 14 साल में लोग पढ़ाई वढ़ाई भूल जाते हैं, तो मैं पहली फिल्म किया था उस समय में कोई एक्टर नहीं था और कम उम्र में हीरो बन गया था, और 14 साल बाद लौटा तो फिर से एक नए जोश नए उमंग के साथ, और मोहे रंग दे प्यार के रंग सजना जो मेरी आ रही है, मैं दर्शकों से यही अपील करना चाहूंगा जो भी गलतियां होंगी क्षमा करिएगा, क्योंकि पहली फिल्म है और उसके बाद लगातार जनता दरबार दिन पर दिन आदमी के अंदर निखार आता जाता है, तो निखार आपको आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा अपने इस बेटे का। मतलब कहीं शादी होती तो नहीं करने वाले इतना फिटनेस होने का? नहीं, शादी शुदा तो मैं हूं ही और एक इतना स्मार्टनेस है आपके, तो कुछ राज है जो 30 kg आपने बैक कदम अपना शरीर सही कर लिया, तो कुछ है क्या राज इसमें? नहीं, इसमें सब दर्शकों का प्यार आशीर्वाद है और हीरो को तो फिट रहना ही पड़ता है, ये आप जान ही रहे, लोग जो फिट है वही हिट है, तो फिट रहना ही पड़ेगा। तो अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ दर्शकों से यही करना चाहूंगा कि आप जनता जनार्दन हो, आप ही असली मालिक हो, सबके मालिक हो, तो संग्राम सिंह के मालिक आप ही हो, और आप हमारी आने वाली जो फिल्म है उसको इतना प्यार और आशीर्वाद दीजिए कि एक भोजपुरी जगत में लगे कि संग्राम सिंह एक आया हुआ है, और
नए जोश नए उमंग के साथ, क्योंकि 14 साल बाद लौटा हूं तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिले हमको, यही आप लोगों से आशा और उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार प्रणाम।